दिल्ली और हरियाणा के बीच फिर से पानी को लेकर जुबानी जंग शुरू हो गई है। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने हरियाणा सरकार पर आरोप लगाए कि दिल्ली को हरियाणा की तरफ से कम पानी दिया जा रहा है। इस पर हरियाणा के कृषि मंत्री कंवरपाल गुर्जर ने पलटवार किया और कहा कि हम दिल्ली को 350 क्यूसेक पानी दे रहे हैं, लेकिन वो ड्रामेबाजी कर रहे हैं। इस वक्त लगभग पूरे देश में जल संकट गहराया हुआ है, लेकिन पानी को लेकर हरियाणा और दिल्ली फिर से आमने सामने हो गए हैं। दिल्ली की तरफ से लगातार आवाज उठाई जा रही है कि हरियाणा की तरफ से हमें कम पानी दिया जा रहा है। इसको लेकर दोनों तरफ से बयानबाजी भी तेज हो गई है। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने सोशल मीडिया पर एक पोस्ट डालकर हरियाणा की तरफ से कम पानी देने पर हरियाणा सरकार को घेरा। इस पर हरियाणा के कृषि मंत्री कंवरपाल गुर्जर ने पलटवार करते हुए कहा कि हरियाणा की तरफ से 350 क्यूसेक पानी दिल्ली को दिया जा रहा है, जो समझौता हुआ है उसके अनुसार ही पानी दिया जा रहा है, लेकिन दिल्ली सरकार इस पर ड्रामेबाजी कर रही है। उन्हें अपनी पानी की व्यवस्था सुधारने की जरूरत है। साथ ही कंवरपाल गुर्जर ने हरियाणा की सभी 10 लोकसभा सीटें जीतने का भी दावा किया। कैबिनेट मंत्री ने कहा कि समीक्षा बैठक में चर्चा की गई थी और हम सभी 10 सीटें जीत रहे हैं, हालांकि 2 सीटों पर जरूर मार्जिन कम रह सकता है। कंवरपाल गुर्जर ने उस बयान पर भी पलटवार किया जिसमें उदयमान ने कहा था कि भाजपा जजपा विधायकों को तोड़ने का काम कर रही है। इस पर कैबिनेट मंत्री ने कहा कि ना हमें जजपा के विधायक तोड़ने की जरूरत है और न ही हमने ऐसा काम किया है। ये जजपा के विधायक तय करेंगे कि उन्हें किसे समर्थन देना है। देखिए, आज ही हमारे इरिगेशन मिनिस्टर जो हैं उन्होंने उस पर बयान दे दिया कि 350 क्यूसिक पानी जो है हम दिल्ली को ज़्यादा दे रहे हैं, और वो भी इस वजह से दे रहे हैं कि दिल्ली हमारी राजधानी है तो वहाँ इस प्रकार की किल्लत ना आए। तो ये जिस प्रकार की ड्रामेबाजी कर रहे हैं, इन्हें अपना ही जो पानी इनको मिलता है उसकी व्यवस्था ठीक नहीं कर सकते। जैसा उन्होंने भी कहा है कि काफ़ी पानी जो है इसी प्रकार से बह गया और उसकी व्यवस्था ठीक ना होने की वजह से उनको समस्या आ रही। लेकिन जो एक जो एग्रीमेंट है, जो समझौता है, जितना पानी हमें देना चाहिए उससे ज़्यादा पानी दे रहे, तो ऐसे में मैं समझता हूँ कि भारतीय जनता पार्टी बहुत ज़बरदस्त बहुमत के साथ चुनाव जीतेगी। नहीं नहीं बिल्कुल नहीं, वहाँ पे 10 की 10 सीटों के बारे में जो सर्वे जो अपनी जानकारी दी तो उसमें 10 की 10 सीटें हम जीत रहे, 2 सीटों पे हमारा मार्जिन कम है, बाकी हम अच्छे उससे जीत रहे जो सर्वे वहाँ पे आया, जो कार्यकर्ताओं की तरफ से आया। सभी पार्टियां अपनी अपनी जीत को लेकर जुबानी जंग कर रही हैं, लेकिन किसकी सरकार बनेगी जनता फैसला कर चुकी है, बस परिणाम आना बाकी है। यमुनानगर से टोटल न्यूज के लिए राहुल सहजवानी की रिपोर्ट।